तो मैंने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया। एक ने पूछा कि चौबे जी आज की शाम फ्री है क्या, मैंने कहा फ्री हूं लेकिन फ्री में नहीं हूं। मेरी दो ही खूबियां हैं साहब, मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरी दो ही खूबियां हैं, बड़ी छोटी खूबियां हैं कि मैं बहुत कम खाता हूं और बहुत कम कविता सुनाता हूं। कम खाता हूं इसलिए मैं जिंदा रहता हूं, कम सुनाऊंगा इसलिए आप हैं। ब्राह्मण का बेटा हूं इसलिए खाने का सोचना मेरा फर्ज है। ब्राह्मण का एक सूत्री कार्यक्रम है खाओ। और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, बाकी तीन जाति, चार जातियां, बड़ा आश्रम होता था, बाकी तीन जातियों ने उसको उल्लू बनाया, देवता बनाया, वो आदमी रहना चाहता है। आप हमारे देवता हैं, खबरदार कभी काम किया तो मेहनत हम करेंगे, आप तो पालकी मार के खा। ब्राह्मण बातों में आ गया, बैठ गया पालकी मार, शताब्दियों तक खाया, स्थाई किस्म का खाऊ हो गया, बाद में पॉलिसी बदल गई देश की, महंगाई आ गई, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, ब्राह्मण देवता प्राय दुखी दिखाई दे। लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण अमिताभ बच्चन होता, हर दो बड़ी का आदमी बुला लेता। स्वर्गीय पिताजी को खाना खिलाना है, ब्राह्मण को ढूंढो और इतना ठूस के खिलाओ कि वो खुद पिताजी हो जाए। इस हाई लेवल की श्रद्धा रहती, मैं नहीं जाता किसी शादी में खाने में, दूसरे आके खाऊ, मैं अपने टाइम में खाऊंगा। लेकिन नहीं मानते, एक ठाकुर साहब मेरे मित्र हैं, श्राद्ध पक्ष में आगे बोले, चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब। मैंने कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया, तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या, उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तब मैं टेंशन में आ गया, मैंने तैयारी कर ले मैं आ रहा हूं, और भगवान ने चाहा तो तेरा आज शाम को ही मना के लौटूंगा। मैं गया तैयारी से, तैयारी का मतलब थूक भी नहीं निकला। यह तैयारी थी ना, गया उसके पिताजी के श्राद्ध में, पालती मार के बैठा, तीन घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गए, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। बोला बीच में पानी तो पी लो, उसको लगा कि ये भी नहीं लेट जाए कहीं, दूसरा पिताजी नहीं बन जाए। बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण मगर आज गुस्से में मैं नॉन वेज भी खा सकता हूं। ठाकुर काफी डिलीशियस था, ऐसा भागा फिर नहीं लिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी और कितना भी जा सकता है। मुझे याद है, मुझे याद है, हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए पूरे तो हैं। नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो जो पेट आप देख रहे हैं ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पे रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। कल वैल्यू खत्म है, बाहर भी नहीं है सोते, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा। बोले एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। ये तो मेरी बाहर मार्केट वैल्यू है, अब जरा घर के अंदर भी ध्यान दे दिया जाए। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर बोली कि जब भगवान मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था, एक्सलेंसी लाइन में लगे थे उनको मिल गई। घर में भी बुरी हालत है,
पत्नी के अजीब शौक हैं। एक दिन अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गई डॉक्टर के पास, उससे बोली जा रही हूँ अतरा के आ जा। डॉक्टर ने फोन किया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से खून पी रही है, ब्लड ग्रुप मेरा नहीं तेरा होगा। घर में भी सीन है, बाहर भी सीन है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रास्ता निकालता हूँ। तो सुरेंद्र जी ने बताया है कि अंततः मस्ती हमारी ताकत होती है। मैं बिल्कुल एक विराट गंजे के पास खड़ा था, इतना सफा चट बड़ा मैदान मैंने कभी नहीं देखा, मुझे आकर्षित कर रहा था कि आओ हो सके तो फुटबॉल खेलो। मैं मैदान की मोहब्बत में खिंचा हुआ चला गया और धूप भी थी तो काफी चमक थी। पास में जाके देखा तो एक सीन दिखा, क्या सीन था, दो बाल खोपड़ी पे मुस्कुरा रहे थे, एक बाल ने छोटे बाल से रोमांटिक प्रस्ताव रखा कि अगर अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहरा है जाए। बाल को अपनी नहीं गंजे की चिंता थी, छोटे से बोला कि अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो मैदान लहरा जाए। तो छोटा बाल बोला कि दादा प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में बाल विवाह पे पाबंदी है। कहाँ बात हंसने को मिलती है वो वाली बात हो जाती है। मैं क्या बताऊँ, सुरेंद्र जी जो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन ये हमारे संक्षिप्त महापुरुष हैं। आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। संक्षिप्त ये कह रहा हूँ कि इनको ठीक से बात करनी, राष्ट्रपति तक नीची निगाह करके बात करता है। ये दूसरी बात है कि उनसे ठीक से बात कर सके तो निगाह अपने आप नीची हो जाती है। ये हमारे संक्षिप्त महापुरुष, आप उनके लिए ताली बजाइए। सुनिए ये बहुत सारी बातें हैं लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने महान कवियों को जिनका बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं उनको सुनेंगे। मैं तो फिगर के रूप में यहाँ पर हूँ, मेरी बहुत बहुत आपकी मोहब्बत चाहिए। छोटी सी कविता, जो उसमें कविता तो कहीं पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो देखने को मिला वो दिखा। बताया गया कि शैल चतुर्वेदी साहब मेरे सगे बड़े भाई हैं, इसमें एक संशोधन की जरूरत है कि वो मेरे दूर के सगे बड़े भाई हैं। दूर के इसलिए कि बीच में 4-5 भाई बहन और भी हैं, तो बहुत दूरी पड़ जाती है। फिल्मों में काम करते हैं आप जानते हैं, सीरियल में काम करते हैं, मतलब डेफिनेट नहीं है कि 4 है कि 5 है। पहले के जमाने में गिनती करना मुश्किल था, तब तक छठवां हो जाता था। हमारे कंपनी तो होता है, हमारे पास में 2 है, कहां तक गिने। वो बात दूसरी थी, वो बात ये रहते हैं, आज के जमाने में बेटा बाप से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से मोहब्बत। हमारे पिताजी थे बड़े देशभक्त आदमी थे साहब, उनको बुढ़ापे में देशभक्ति का शौक चढ़ रहा है। एक दिन मुझसे बोले कि देशभक्ति का ज्वार फनफना रहा है, मैं देशभक्ति करना चाहता हूं, तू कल फौज में भर्ती हो जा। बढ़िया प्लान था। मैंने कहा देशभक्ति का शौक आपको चढ़ रहा है, भेज मेरे को। असली स्कीम दूसरी थी, क्योंकि मैं परमानेंट बेरोजगार था, उनके लिए लोकल पाकिस्तान नहीं था। सोचा भेज तो निपट जाएगा, या तो देश के काम आएगा या घर के काम आएगा। लेकिन मैं भी बहुत पक्का हूँ, चला तो गया डर के मार। लेकिन वो मैंने दांव खेला के फिर दूसरे दिन घर। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था, मैं दे रहा था, अचानक डॉक्टर ने पूछ लिया बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है। हमने कहा कौन सा कैलेंडर। कैलेंडर सामने फुट भी था, मैं देखता बोलता तो फिर फौज भर्ती हो जाए। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है, हमने कौन सा कैलेंडर। बोले वो जो सामने की दीवार पे है। हमने कहा कौन सी दीवार। तब वो बोला कि भैया घर जाओ, घर खुदा तुम्हारे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं आपके काम करता हूँ, इस बात से बचा था। आइए ह्यूमरस की शाम में मैं आपको ह्यूमरस की एक छोटी सी कविता, जो दूर तक कहीं कविता के खानदान की चीज नहीं है, लेकिन दिखा तो लिखा, हम क्या करें, हिंदुस्तान में सब दिखता तो आदमी लिखता है। एक दोस्त से मैंने पूछा तेरे पिताजी आजकल दिखते नहीं, बोले वो जेल में हैं। क्यों, बोले एक दिन बैंक चले गए थे। मैं कहा हम तो रोज बैंक जाते हैं। नहीं, बोले वो रात में गए थे। बात तो सच्चे भाई क्या कर रहे हैं। आई ऐसी बात जो कविता के नजदीक खड़ी है, और शायद कविता ना हो लेकिन दिखता है तो कोई दिखता है। भाई साहब बॉम्बे में रहते हैं,
एक बार क्या शूटिंग दिखाने बोले चलो, मैं भी चला गया, लेकिन शूटिंग कैंसिल हो गई। तो मैं भाई स्टूडियो में घूम रहा था, पहली बार इतना बड़ा विराट स्टूडियो देख रहा था, तो मेरी जिज्ञासाएं बिल्कुल सिर उठा रही थी। अचानक जो सीन मुझे दिखा वो आपके काम की चीज़ है। सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं भी लगे रहते हैं, ये फिल्में शायद वहाँ बनी होंगी उस स्टूडियो में, इसलिए उनका डिस्प्ले वहाँ पर था। जो सीक्वेंस था बस वही कविता थी, मजा लीजिए हिंदुस्तान कहाँ मुस्कुराता है। पहले चार पोस्टर हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे। सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे हैं, कविता बनती जा रही। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार कान में लो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इनका काम दूंगा। झील के उस पार राम मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इनका काम दूंगा। अब देखिए पोस्टरों का ध्यान गया, ये पोस्टर कुछ बारीक बातें कह रहे थे, घरों में संबंध कैसे बनते जा रहे हैं, उनकी बदबू या खुशबू वहां से आती थी, पति पत्नी जानी दुश्मन, संबंध कैसे होते जा रहे हैं, पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके कौन, पति पत्नी जाने दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। आदम महाजन भाइयों का देखा था, पति पत्नी जाने दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। चोर पुलिस एक दूजे के लिए, चोर पुलिस एक दूजे के लिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। सारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर में खुद भाग खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी।